हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं, अगर जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और वीडियो या रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक कर दिया करें प्लीज़। और आप लोग मतलब कुछ लोगों ने पूछा था, बोला था कि प्लेलिस्ट बना दें, तो वो भी मैंने बना दिया है। बाकी के और बनाना बाकी है, तो कुछ मैंने बना दिए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझसे ये सब मतलब बोला, तो मैंने बना दिया है। क्योंकि मुझसे आ नहीं रहा था बनाना, तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं था। और अब मैंने अभी आज सीखा है दिन भर में, तो फिर मैंने बना दिया है। तो बस उसमें वीडियो और अपलोड करनी बाकी है। तो आप लोगों को अब हर चीज़ की वीडियो जिस पर आप जिस प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। और प्लीज़ अगर आप लोग और मैं दोबारा से बोल रही हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मुझे भी आप लोगों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोगों से दोबारा बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर प्लीज़ आप लोग समझें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी शाम का टाइम है, आज मैं नाइट से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी आटा लगा रही थी, तो मैंने आटा लगा कर रख दिया है और बस खाना बनाने की ही तैयारी कर रही थी। क्योंकि अभी मैं ये आप लोग देख रहे होंगे ना, पन्नी रखी हुई है भाजी की, तो मैं मूली की भाजी और मैं डेली लेकर आ रही हूँ अभी, क्योंकि अभी तो यही खाना बनाना है। तो मैं बस इनके लिए भाजी वगैरह अच्छे से थोड़े से तेल में ही तल देती हूँ, भून देती हूँ और दाल वगैरह बना लेती हूँ ऐसे ही उबाल कर। तो आप लोग देख रहे होंगे, और ये बिल्ली आ गई है पीछे से, तो मुझे ध्यान नहीं था। बहुत सा यहाँ पर ना मतलब बाजू वाले घर में पल गई हैं, तो दो तीन तो हो गए हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो ना दिन भर यहीं घूमते रहते हैं, तो देखकर डर के ना भाग जाते हैं। पर मेरे कार्तिक को बहुत पसंद, पर और आप लोग देख रहे होंगे कार्तिक नहीं है, तो कार्तिक नहीं है क्योंकि कार्तिक चला गया है नानी के यहाँ। वो इसी वजह से मैंने भेजा दिया था, मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह बहुत सुबह ले जाना पड़ता है, तो वहाँ एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। सुबह हम लोग 6 बजे उठ के जाते हैं। तो अभी हम लोगों का 3-4 दिन से यही रूटीन चल रहेगा अभी जाने का, तो नहीं 2-3 दिन हुआ है अभी। तो हम लोग सुबह 6 बजे उठकर जाते हैं, तो इसी वजह से जल्दी शाम को भी आजकल जल्दी खाना वाना वगैरह बना लेती हूँ। और अभी खाना मैं बना रही हूँ क्लिनिक से आके, तो मैं अस्पताल गई हुई थी तो मैं वहीं से आके बना रही हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत उनका सिर ना दर्द होने लगता है, चक्कर आ जाते हैं तो वो नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ी बहुत चले जाते हैं, फिर उसके बाद घर आके वो सो जाते हैं, मैं चले जाती हूँ। तो अभी 9 ही बज रहे हैं, 8 बजे बंद हो जाती है, तो 8 बजे मैं आई हूँ और 8 बजे मैं खाना बना रही हूँ, तो 9 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहले तो आप लोग देखा करते थे मैं बहुत लेट हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा 11-11 बज जाया करती थी, पर अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है क्योंकि सुबह के टाइम का है ना, इसी वजह से। तो ये बीज आए हैं, किसी ने मतलब इनको दिए हैं वो दवाई वाले जो बीज होते हैं, तो उनको ही मैं सेक रही हूँ। नाम नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उनको, जो ध्यान नहीं है, मैं नाम भूल गई हूँ। मतलब बहुत ही ये अच्छे होते हैं, तो ये देना ज़रूरी है, इससे क्या है जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अब मैंने तो आज तक देखे नहीं किस टाइप के होते हैं। हाँ, अकीरा अहीरा की अकीरा बोलते हैं जो भी है, तो बस वही मैंने तल दिए हैं थोड़े से। और मैं बना रही हूँ ऑमलेट, मुझे लगता है अंडे दे देना चाहिए, क्योंकि अंडा तो ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो अंडा। और मैंने टमाटर प्याज यही बस डाला है, मिर्ची भी नहीं डाली है, तो ये बना दे रही हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। और सुबह की खिचड़ी रखी हुई है, तो वो हो जाएगी। पता नहीं क्यों मन भी नहीं लगता है यार खाना आना का, पर अभी थोड़ा बहुत ना अच्छा सा लग रहा हैगा। हाँ, थोड़ी तबीयत वगैरह इनकी ठीक हो रही है, तो बस थोड़ा बना देती हूँ, तो सोचती हूँ। और कम ही तेल में बनाती हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा वो थोड़ा सा आप कढ़ाई में, क्योंकि फैली हुई है ना वो, तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सारा है,
ज़्यादा नहीं डाला है। और अंडे की भुर्जी की रेसिपी तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर ऑमलेट बन गया है और मैं आलू काट रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बना रही हूँ बैंगन, और ये वही बैंगन है जो मेरे पौधे में लगा हुआ था, तो बस उसी को मैं बना रही हूँ। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा था क्योंकि जब मम्मी आई थी ना तो वो तभी बोल रही थी कि ये अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा नहीं तो पक जाएगा, तो बस मैंने तोड़ लिया है तो उसी को मैं तल ले रही हूँ। और घर की सब उगाई हुई सब्ज़ी का तो मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी कुछ भी। अगर मेरी तो बरबट्टी भी दो ठो मतलब पेड़ लगा हुआ है, उसमें दो दो बरबट्टी तीन तीन करके हो जाती हैं, तो वो भी मैं एक दो आलू डाल के तल लेती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट भी होना चाहिए, भले ही उसमें पेट भरे ना भरे, पर थोड़ा बहुत भी बन अगर निकल आती है ना तो मैं तल लेती हूँ, तो उसमें तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो बस वही बैगन मैं तल ले रही हूँ और साथ में चढ़ाती हूँ मैंने चाय, तो अब चाय पीना था मेरे हस्बैंड को, अब थोड़ा अच्छा लग रहा उनको, तो बस जो चीज़ खाना रहता है तो वही बना देती हूँ या कर देती हूँ। और बस मैं बैगन बना रही और सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ, आप लोग देखे होंगे मेरी हर वीडियोस में। तो मैं पहले लहसुन से बघारती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मसाला डालती हूँ। मैं मसाला पहले नहीं भूनती हूँ ऐसी वाली सब्जियों में, ये या तो बरबटी हो या बैगन हो कुछ भी, तो मैं पहले इनको फ्राई करती हूँ अच्छे से, फिर मसाला डालती हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है और फ्राई और अभी पकने के लिए छोड़ दिया है। मैं जब तक रोटियां सेक रही हूँ और साथ और मैं इसलिए भी मतलब ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना, और आप लोगों की नवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरी तो बस ठीक ठाक ही है, क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब मैं कर लेती थी हर साल तो अच्छे से हो जाती थी, पर इस साल थोड़ा सा आप लोग देख ही रहे होंगे, करती जा रही हूँ, थोड़ा बहुत करती जा रही हूँ क्योंकि ना अभी ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच दिन भर में ना मैं अभी खाना ही मैं बिजी रहती हूँ, क्योंकि ना वो दवाई जो खा रहे हैं ना तो उसमें ना तीन चार बार हो जाता है, थोड़ा भूख लगती है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर भी मैं अपने हिसाब से करती जा रही हूँ, तो मैंने किचन के यहाँ कर ली, और जहाँ पहले मैं क्या करती थी, डब्बा डिब्बी जो मेरे रखे हुए हैं ना, तो वही मैं अच्छे से अलमारी साफ़ कर लिया करती थी, और मतलब हर चीज़ अच्छे से, पर इस समय नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों का कैसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरा तो ठीक ही है अभी, तो बस मैं उनको रोटियां ही देती जा रही हूँ। पर मैं क्या करती हूँ ना कि बना के नहीं रखती हूँ ना, एक बार मैं जितनी टाइम भूख लगती है उतनी बार मैं बना देती हूँ गरम गरम, तो थोड़ा सा ही तो बनाना होता है, तो बस मैं फटाफट से दिन बना देती हूँ, जितनी बार खाना होता है उतनी बार बना देती हूँ मैं, तो ऐसा ही हैगा रूटीन अभी तो। और अभी हम लोग सुबह सुबह ही जाते हैं ना, तो उसमें एक बड़ी मज़े की बात हो गई, मेरे हस्बैंड कहते हैं रोज़ इसी तरह सुबह अपन उठ जाया करेंगे और आ जाया करेंगे घूमने के लिए, क्योंकि इससे ना मेरा वेट कम हो रहा है वो कह रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा जो भी है, तो बस अब यही रूटीन रहेगा, देखते हैं कितने दिन तक चलता है। और ये रही मीठी नींद जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो कितने अच्छे से मैंने अच्छे से सुखा ली है, अब अच्छे से डब्बे में भर के रख दूँगी। और ये पुदीना जो मैंने तोड़ा हुआ था इसको भी थोड़ा सा सुखा लिया है, तो बस ये सब चीज़ें मैं अच्छे से स्टोर करके रख लूँगी। और मेरा वीडियो यहीं तक था आज का, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, थैंक यू।